क्या करेंगे, इन सारे ऑर्डर स्टेटस को रखने के लिए एज्योर में चल के एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और वहां पे जाके ये डेटा रखेंगे। तो एज्योर में चल के एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। एज्योर डेटाबेसेस है ना, एसक्यूएल डेटाबेसेस में जाके हमें क्रिएट करना है। जो भी नाम दोगे यहाँ पे लिखते भी चलो, हाँ डेटाबेस में डालेंगे। ना हाँ उस डेटा को उठा के हम डाल देंगे अपने डेटा। हाँ क्रिएट एज्योर सीक्वल डेटाबेस, ये भी एक सर्विस है एज्योर द्वारा दी जाती है। हाँ रिसोर्स ग्रुप वही तुम्हारा ओवन वाला लेके चल रहे हैं हम लोग। आप डेटाबेस नेम, डेटाबेस डिटेल तो है, डेटाबेस सर्वर एक नया बना लो। तो हम क्या बनाएंगे सर्वर, डीबी क्या बोल रहा है? बोलो कुंदन, इसमें क्यों कैसे कर रहा? अच्छा लेता ठीक है। ऑलरेडी इन यूज डेटाबेस सर्वर नेम 1 दे दो। नहीं लेगा तो इस बार कर देंगे SLESS। तो ये सर्वर नेम तुमने बनाया, DB सर्वर नेम ये हो गया तुम्हारा। हाँ SQL ऑथेंटिकेशन कर लो। तो एडमिन बोलो बोलो, जल्दी जल्दी नाम बोलते चलो यार, नाम में बहुत टाइम लग जा रहा हमारा। ऐसे ऐसे सेल्स, हाँ ऐसे सेल्स, ये क्या है? हाँ अच्छा पासवर्ड भी डाल, ऐसे सेल्स क्या कह रहे हैं? अरे वो रॉन्ग पासवर्ड है ना। हाँ हाँ sales @1234 डाल दिया मैंने, SALES@1234.5 ठीक है, याद रखना भैया सेल्स है। ये क्या डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम हो गया यूजर, पासवर्ड क्या है सेल्स @1234.5। ठीक है
कर लो। ठीक है, सब हमारा ठीक है। अच्छा, डेटाबेस नेम नहीं है। अरे अभी हम लोग बनाया था ना, वो सर्वर सर्वर नेम था क्या हमारा? अरे यार, तो ये सर्वर नेम, ये डेटाबेस नेम नहीं है ना, सर्वर नेम है। सर्वर नेम, हाँ तो उसका सर्वर नेम ये था और यूजर आईडी सेल्स था ना, पासवर्ड। हाँ सॉरी, यूजर आईडी क्या था? यूजर आईडी नहीं, ये वाला डाला था मैंने। हाँ ठीक है, अब ये डीबी नेम हमें डालना, हाँ डेटाबेस नेम डालना है। सेल्स ये रहने दें, डीबी कर देते हैं। ठीक है, ये यूजर नेम है ना। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग डेटा डालेंगे। तब तक माउंट करना सीख लो और वहाँ पे ये सारे कमांड्स रन करा के तुम लोग देख लो।